हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और पैटर्न्स के बारे में देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने तीन पैटर्न्स लिए हैं। वन बाय वन हम इनको कोड करने की कोशिश करते हैं। पहले ये वाला पैटर्न लेंगे, देन ये वाला, एंड देन फाइनली ये वाला पैटर्न। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पैटर्न, अगर हम उसकी एनालिसिस करें तो हमें स्टार्स की प्रिंटिंग करनी है। जो नंबर ऑफ स्टार्स की प्रिंटिंग करनी है, पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 3 स्टार, तीसरी में 4 स्टार्स, 5 स्टार्स एंड लास्ट में 7 स्टार्स। एन इक्वल्स टू 4 के लिए ये पैटर्न हम बना रहे हैं। यहाँ पे हम अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, तो रेफरेंस लाइन अगर ये है तो पहले हमें 1, 2, 3 स्टार स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, देन स्टार प्रिंट हो रहा है। दूसरी लाइन में पहले 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, देन 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। और तीसरी लाइन में 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, देन 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है, देन 5 स्टार्स। और लास्ट लाइन में कोई भी स्पेसेस नहीं है, केवल स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हर लाइन में लाइन नंबर -1 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। लाइक से हमारा जो लाइन नंबर है वो आई है, तो i-1 स्पेसेस हैं और उसके बाद फिर स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो जो स्टार्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो 2 बढ़ जा रही है हर लाइन में। अगर पहली लाइन में 1 स्टार्स हैं तो दूसरी लाइन में 3 है, तीसरी लाइन में ये 5 है, और लास्ट लाइन सेकेंड लाइन में सॉरी फोर्थ लाइन में ये 7 है। तो हम या तो ये मान लें कि किसी स्टार्स की जो काउंटिंग है वो हमने 1 ले ली, फिर उसको 3 अपडेट कर दिया, देन 5 अपडेट कर दिया, देन 7 अपडेट कर दिया, या फिर इसको हम ये मान सकते हैं कि ये ऑड नंबर्स के स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं सभी लाइंस में। और अगर लाइन नंबर 1 है तो 2i-1 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं पहले में। तो 2 × 1 - 1 1 आ जाएगा, 2 × 2 - 1 3 आ जाएगा, 2 × 3 - 1 5 आ जाएगा, 2 × 3 - 1 2 × 4 - 1 हमारा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो स्टार्स की प्रिंटिंग हो रही है वो हमने ऑड नंबर के फॉर्मूला से कर लिया। टोटल नंबर ऑफ जो स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं वो 2i-1। सो हमने इस पैटर्न को रैप कर लिया है कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है हमारा। n-1 स्पेसेस प्रिंट होंगे फॉलोड बाई 2i-1 स्टार्स। आइए इसको कोड करके देखते हैं। तो ये मेरा कोड है जिसमें हमने आउटर लाइन जो बनाया है वो नंबर ऑफ लाइंस के लिए है। इसके अंदर हमने सबसे पहले n-1 स्पेसेस को प्रिंट कर लिया, तो n-1 टाइम्स इस लूप को चलाया और स्पेसेस को प्रिंट कर लिया। बाकी का जो पार्ट है उसको हम अपडेट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्स की बात करते हैं। तो हमने एक k वेरिएबल ले लिया और k को हमने 1 से इनिशलाइज कर लिया, और k को हम 2 × i-1 टाइम्स चलाएंगे और हर बार एक स्टार प्रिंट कर देंगे इसके अंदर। स्टार की प्रिंटिंग करने के बाद हम न्यू लाइन में आएंगे, क्योंकि हमें हर बार न्यू लाइन में आना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। समराइज करें हम तो आउटर लूप बता रहा है कि कितने टोटल लाइंस होंगे। अंदर दो हमारे पैटर्न में दो हमारे एलिमेंट्स हैं। पहले एलिमेंट में हम स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं n-1 स्पेसेस, और दूसरी लाइन में हम स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं 2i-1 स्टार्स। रन करके देखते हैं इसको। लेट से हम 5 के लिए इसको चला रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा ये प्रिंट हो रहा है। फिर से हमने इसको चलाया, और लेट से हम इसको 8 के लिए चला रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पैटर्न वही आ रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इतने स्टार्स हमारे। दूसरा पैटर्न हम पिक करते हैं, और दूसरा पैटर्न जो हमारा है वो लगभग ऐसा ही है, बट लेकिन इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स थोड़े से ज्यादा हैं। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में सेकेंड पैटर्न में यहां तक जो पार्ट है वो बिल्कुल जो है हमारा पैटर्न नंबर 1 जैसा है, लेकिन इसके नीचे जो है वो घटते हुए क्रम में स्टार्स हैं। अगर हम ये बात करें कि ये जो प्रिंटिंग हमारी हुई है वो n=3 के लिए हुई है, तो n=3 के लिए प्रिंटिंग अगर हुई है तो इसका मतलब क्या है कि 1, 2, 3 लाइन में बढ़ते हुए क्रम में स्टार्स हैं और 4, 5 लाइन में घटते हुए क्रम में स्टार्स हैं। तो अगर हम एक छोटा सा एनालिसिस इसमें करें तो ये वाला जो पार्ट है वो ऐसा है कि इसमें स्टार्स हैं लेकिन उसके पहले स्पेसेस हैं। तो n-1 स्पेसेस हैं, एंड देन उसके बाद फिर 2 × i-1
स्टार्स है। फिर इसके बाद जो नीचे वाला पैटर्न है या जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें जो स्पेसेस हैं वो कैसे होंगे? अगर हमने एन की वैल्यू 3 ली है तो हमने जो लाइन नंबर है पहले लाइन नंबर हमें बढ़ते हुए क्रम में सोचना है एंड देन लाइन नंबर घटते हुए क्रम में सोचना है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हम लाइन नंबर फिर से स्टार्ट कर देते हैं इस जगह से, और पहले एक स्पेस आएगा देन दो स्पेस आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक अगर इसमें हम सेग्रीगेशन करें पार्ट्स का, तो पहला पार्ट स्पेसेस का, दूसरा पार्ट ये वाला, फिर तीसरा पार्ट इधर स्पेस वाला और चौथा पार्ट ये वाला। तो हम एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में ही डिवाइड कर देते हैं। एक बार बढ़ते हुए क्रम में जो स्टार्स हैं उनके लिए लाइन नंबर्स जिनकी संख्या एन की इक्वल होगी, और उसके बाद फिर घटते हुए क्रम में जो स्टार्स हैं उनकी संख्या जिसकी संख्या एन माइनस या लाइन नंबर्स जो उसमें होंगे वो एन माइनस वन होंगे। पहले वाले पार्ट में जो स्पेसेस हैं वो हमारे घटते हुए क्रम में होंगे हर लाइन के हिसाब से, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें जो स्पेसेस हैं वो बढ़ते हुए क्रम में होंगे। तो आइए उसको हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पुराना वाला पैटर्न है उसके हिसाब से हम प्रिंटिंग कर लेते हैं, और ये जो प्रिंटिंग हमारी हो रही है वो एन लाइन्स के लिए प्रिंटिंग होती है। अभी अभी हम लोगों ने देखा एक एनालिसिस फिर से यहाँ पे लिख, हम यहाँ पे कमेंट लाइन में लिख लेते हैं कि अगर एन इक्वल टू थ्री के लिए हम इस पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम तीन लाइन्स ड्रॉ करेंगे बढ़ते हुए स्टार्स के लिए एंड देन दो लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे घटते हुए क्रम के लिए। फाइन, तो हमारा बढ़ते हुए क्रम का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, घटते हुए क्रम को हम अलग से कोड कर लेते हैं, और कोड करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ लाइन्स बताते हैं। नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे हमारी एन माइनस वन होने जा रही हैं, और इसके बाद जो प्रिंटिंग करनी है वो स्पेसेस की प्रिंटिंग करनी है। नंबर ऑफ स्पेसेस यहाँ पे एन माइनस आई की जगह आई स्पेसेस होंगे, अगर हम लाइन नंबर वन मान रहे हैं घटते हुए क्रम में तो उस केस में आई स्पेसेस हमारे प्रिंट होंगे, और आई स्पेसेस के बाद हम प्रिंट करेंगे स्टार्स के। अब स्टार्स की प्रिंटिंग के लिए दो तरीके हैं। एक तो एक तरीका यह है कि ये जो हमने 2 × i-1 यहाँ पे कैलकुलेट किया था लास्ट लाइन के कैलकुलेशन के हिसाब से इसको हम सेव कर लेते हैं, या फिर अगर हमने ये माना है कि जो लास्ट लाइन में जो स्टार्स प्रिंट हुए हैं वो 2 × n-1 होंगे, ऑब्वियसली अगर तीन लाइन है तो लास्ट लाइन में 5 स्टार्स हमारे प्रिंट हुए होंगे। तो अब जो नेक्स्ट हम लाइन में प्रिंट करेंगे जो तीन के बाद, तीन लाइन के बाद, उसमें तीन से पाँच से घट के हमारे स्टार्स तीन हो जाएंगे, देन तीन से घट के हमारे जो स्टार्स हैं वो हमारे वन हो जाएंगे। तो आइए हम एक काम करते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं और इस वेरिएबल को हम एक्स मानते हैं, और इसमें 2 × n-1 स्टोर कर लेते हैं, और इसको इसकी जो संख्या है वो लगातार हम घटाते रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्पेसेस की प्रिंटिंग, स्पेस की प्रिंटिंग करने के लिए एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी स्टार्स की प्रिंटिंग करने के लिए एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू कर लेते हैं, एंड देन अब हम प्रिंट करते हैं स्टार्स। फाइन, सो हमने कितने स्टार प्रिंट करने हैं? जो लाइन नंबर है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि अब हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं एक्स के हिसाब से। तो हमने ये कर दिया कि k=1, k<= x और k++ स्टार्स हमने प्रिंट कर दिए। जैसे ही हमने स्टार्स प्रिंट कर दिए उसके बाद फिर हमें न्यू लाइन में आ जाना है, लेकिन न्यू लाइन में आने के साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम जो स्टार्स हमारे प्रिंट हो वो दो कम हो प्रीवियस वाले से। तो ये हमारा ऑलरेडी 23 नंबर लाइन x=x-2 इंश्योर कर रहा है। आउटर लूप को क्लोज कर देते हैं और अब हम प्रिंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रिंट करने से पहले एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। n=3 के लिए सबसे पहले हमने बढ़ते हुए क्रम में स्टार्स को प्रिंट कर लिया है, एंड देन उसके बाद घटते हुए क्रम में प्रिंटिंग करने के लिए x=2 × n-1, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स जो हमारे लास्ट लाइन में प्रिंट हुए हैं उसको हमने एक्स वेरिएबल में ले लिया। अब घटते हुए क्रम में स्टार्स को प्रिंट करने के लिए नंबर ऑफ लाइंस n-1 हमें प्रिंट करनी है, और हर लाइन में आई स्पेसेस हमें प्रिंट करने हैं। आई स्पेसेस प्रिंट करने के बाद स्टार्स प्रिंट करने हैं, लेकिन प्रीवियस जब जो भी हमने स्टार्स प्रिंट किए थे उससे दो कम प्रिंट करने हैं। इसको रन करके देखते हैं। मान लीजिए कि हम n=3 के लिए वर्क करते हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं ये जो डायमंड है जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह से डायमंड ये प्रिंट हो रहा है। एक बार और रन करके देखते हैं इसको थोड़ा सा बड़े क्वांटिटी के लिए।
मान लीजिए कि हमें 5 के लिए हमने इनपुट किया, फिर 5 के हिसाब से ये डायमंड हमारा कट गया। तो थर्ड पैटर्न हमारा था, उसको चेक करते हैं। थर्ड पैटर्न भी लगभग वैसा ही है जैसा हमने सेकंड पैटर्न लिया है, बट इसके रिवर्स, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में पिक कर रहे हैं। आइए हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें एलिमेंट्स फाइंड करते हैं कि टोटल एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, और इस ट्राइंगल में जो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं वो तो पहली लाइन में 0 स्पेसेस हैं, दूसरी लाइन में 2 स्पेसेस हैं, तीसरी लाइन में 3 स्पेसेस हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उसके बाद फिर जो स्टार्स की प्रिंटिंग हो रही है वो घटते हुए क्रम में है। तो अगर हमने ये मान लिया कि एक एक्स है जिसकी हमें प्रिंटिंग करनी है, और एक्स को हमने अगर हम एन इक्वल टू 3 के लिए कर रहे हैं, तो हमें सेट करना पड़ेगा कि पहली लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट हुए। इसके लिए हमने 2 × n-1 से एक्स को इनिशियलाइज कर लिया, और पहली लाइन में 2 × n-1 स्टार्स की प्रिंटिंग कर दी। फिर इसके बाद दूसरी लाइन में स्टार्स को प्रिंट करने के लिए एक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 से, और 2 से रिड्यूस करने के बाद फिर स्टार्स की प्रिंटिंग कर देंगे, और इसको फर्दर रिड्यूस करते रहेंगे जब तक कि हम लास्ट लाइन तक या इस थर्ड लाइन तक ना पहुंच पाए। नंबर ऑफ स्पेसेस आप कितने प्रिंट करेंगे? 0, 1, 2। इसका मतलब क्या है कि लाइन नंबर -1 कितने स्पेसेस आप प्रिंट करेंगे। तो पहले पार्ट में आप जो स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं वो लाइन नंबर -1 तक स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं। थोड़ा सा समराइज करें अगर पहले वाले को, तो सबसे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं i-1 स्पेसेस, एंड देन इसके बाद फिर आप स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं, और स्टार्स आप प्रिंट कर रहे हैं एक्स टाइम्स। हर बार एक्स को हम रिड्यूस कर देंगे। जो लाइन नंबर आई, लाइन नंबर एन के बाद जो लाइन है उसमें नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले एक्स की जो भी प्रीवियस वैल्यू हमारी रही है उसको +2 कर देते हैं। मतलब क्या है कि एक्स अगर पहले 1 प्रिंट हुआ है तो आप ये 3 स्टार्स प्रिंट होंगे, या फिर आप डायरेक्टली इसको 3 कर सकते हैं क्योंकि 1 के बाद यहाँ पे वैल्यू 3 ही आएगी जितने स्टार्स आपको प्रिंट करने हैं। नंबर ऑफ स्पेसेस अगर आप ध्यान से देखें कि पहली लाइन में आपके जो स्पेसेस हैं वो 1 है, दूसरी लाइन में जो स्पेस है वो 0 है, लेकिन अगर आप n इक्वल टू 5 ले लेंगे तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्पेसेस कितने होंगे। जैसे हम पैटर्न इसको ड्रॉ करें अगर तो n इक्वल टू 5 के लिए, सो दिस इज 9, एंड देन 9 के बाद 7, 7 के बाद ये 5, 5 के बाद 3 स्टार्स, 3 स्टार के बाद 1 स्टार। फिर इसके बाद बढ़ेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, फिर 9, और ये हमारी लास्ट लाइन है। तो एक इस वाले ट्रायंगल के बाद जो हमारा नीचे का ट्रायंगल है उसमें लास्ट लाइन में कोई भी स्पेस नहीं है, उसके ऊपर 1 स्पेस है, उसके ऊपर 2 स्पेस है, और उसके ऊपर 3 स्पेस है। तो पहले तो हमें जो लाइन्स प्रिंट करनी है वो 4 लाइन्स प्रिंट करनी है। पहली लाइन में n-1 स्पेसेस हैं, दूसरी लाइन में n-2 स्पेसेस, नेक्स्ट लाइन में n-3 स्पेसेस, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो लास्ट लाइन हमारी है उसमें 0 स्पेसेस हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्पेसेस हम प्रिंट कर रहे हैं वो लाइन नंबर -2 कर रहे हैं अगर हम इसको लाइन नंबर 1 माने, और इसको अगर लाइन नंबर 2 माने तो उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ लाइन्स फिर से रिड्यूस कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ स्पेसेस आप फिर से रिड्यूस कर दे रहे हैं, या फिर आप ये मान सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पेसेस जो है आपने आई के रिस्पेक्ट में बढ़ा दिए हैं। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किस तरह से स्पेसेस की प्रिंटिंग करनी है। आइए कोड करके इसको देखते हैं। सबसे पहले इस पैटर्न को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तीन के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं जिससे हम इजीली वेरीफाई कर पाए अपने कोड को। तो आइए सबसे पहले जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं घटते हुए क्रम में डिसाइड करते हैं कि कैसे प्रिंट होंगे। तो हमने एक लेट से एक्स ले लिया यहाँ पे, और एक्स को 2 × n-1 इनिशियलाइज करते हैं। यही हमारे स्टार्स होंगे जिसके हम प्रिंटिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले स्पेसेस आएंगे, और स्पेसेस जो हैं वो लाइन नंबर के हिसाब से i-1 टाइम स्पेसेस प्रिंट करेंगे। तो इसको हम i-1 कर देते हैं, और ये स्पेसेस को प्रिंट कर रहा है।
स्पेसेस को प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्स की प्रिंटिंग करेंगे। कितने टाइम स्टार्स प्रिंट करेंगे, एक्स टाइम्स हम स्टार्स को प्रिंट करेंगे। एक्स टाइम्स स्टार्स प्रिंट करने के बाद हम न्यू लाइन में आ जाएंगे और हर बार ऐसा हम करते करते नीचे आएंगे, लेकिन एक्स की जो संख्या है वो हर बार रिड्यूस हो जानी चाहिए एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू पर। फिर जब हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल ड्रा हो गया तो नीचे वाले ट्रायंगल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स को री इनिशलाइज करते हैं। एक्स हमारा थ्री से री इनिशलाइज होगा। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब हमने इस वाले पार्ट तक ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया उसके बाद फिर थ्री स्टार्स ही हमारे प्रिंट होंगे। थ्री के बाद फाइव हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो स्टार्स हैं उनकी संख्या हमारी बढ़ने लगेगी। तो बढ़ते हुए क्रम में प्रिंट करने के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि नंबर ऑफ लाइंस हमारी एन माइनस वन होंगी जो हमें प्रिंट करनी है। सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट होंगे एंड देन उसके बाद जो हमारा स्टार प्रिंट होगा। कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे, अगर हमने ये माना है कि इसमें दो बार प्रिंटिंग होनी है, एक स्पेस यहाँ होगा और एक जीरो स्पेसेस यहाँ पे होंगे। तो एन माइनस वन टाइम्स टोटल हमें ये लाइंस प्रिंट करनी है। और अगर n की संख्या 3 है तो ये वाला n माइनस टू प्रिंट करेगा और ये वाला n माइनस थ्री स्पेसेस को प्रिंट करेगा। तो n माइनस आई, सबसे पहले स्टार्स की प्रिंट, सबसे पहले स्पेसेस ले लेते हैं। तो स्पेसेस की जो संख्या है यहाँ पे वो n माइनस आई n माइनस वन। क्यों n माइनस आई माइनस वन, अगर n की संख्या 3 है तो थ्री माइनस, अगर हम फर्स्ट लाइन में है तो वन और माइनस वन, जिससे वन स्पेसेस प्रिंट होंगे। अगर एन की, अगर आई की वैल्यू टू है तो ये थ्री माइनस टू माइनस वन मतलब जीरो स्पेसेस प्रिंट होंगे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि एन माइनस आई माइनस वन स्पेसेस प्रिंट होंगे। और स्पेसेस को प्रिंट करने के बाद हम स्टार्स की प्रिंटिंग करेंगे एक्स टाइम्स, और स्टार्स की प्रिंटिंग करने के बाद स्टार की संख्या बढ़ा देंगे तो एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू कर देते हैं और फिर न्यू लाइन में जाएंगे। रन करके देखते हैं इसको, ओके इस पैटर्न को हटा देते हैं। फाइन, इस एक्स को दोबारा से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। अगर हम एन इक्वल्स टू थ्री के लिए कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा डायमंड वैसा ही प्रिंट हो रहा है। फिर से हम इसको चेक करते हैं, लेट्स से एन इक्वल्स टू सेवन के लिए। तो आई थिंक ये पैटर्न सही वर्क कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ और पैटर्न्स के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।